पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाज शोएब मलिक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका अदा की। शोएब ने अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए टीम को दबाव के बीच जीत की दहलीज पार कराकर T20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत दिला दी। मलिक 20 गेंद में 26 रन बनाकर नाबाद रहे। T20 वर्ल्ड कप में लगातार 2 मैच में 2 जीत के साथ पाकिस्तान ने अपनी जगह सेमीफाइनल्स में तकरीबन तय कर ली है। उसके 3 मैच कमजोर टीमों के खिलाफ हैं, जिनसे जीत हासिल करने में उसे परेशानी नहीं होने वाली। ऐसे में मलिक ने T20 वर्ल्ड कप जीत के साथ क्रिकेट को अलविदा कहने की इच्छा जताई है। मलिक ने कहा कि वो संन्यास लेने से पहले एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के अनुभव का आनंद लेना चाहते हैं। अनुभवी ऑलराउंडर ने कहा, अंडरडॉग के रूप में टूर्नामेंट में उतरने का फायदा होता है। ऐसा होने पर खिलाड़ियों के ऊपर दबाव नहीं होता। साल 2009 की T20 विश्व कप जीत के अनुभव को याद करते हुए 39 वर्षीय मलिक ने कहा कि पाकिस्तानी टीम टूर्नामेंट की शुरुआत में संघर्ष करती दिखती है, लेकिन इसके बाद जब सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करना शुरू किया तो टीम ने गति हासिल कर ली। उन्होंने कहा, मैंने शाहिद अफरीदी, उमर गुल ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया था। जब शाहिद अफरीदी ने श्रीलंका के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए फाइनल मुकाबले में विजयी रन लेग बॉय के रूप में लिए थे, तब दूसरे छोर पर शोएब मलिक ही तो थे। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान ने कहा, मैं एक बार फिर से उन लम्हों को जीना चाहता हूँ। अपने करियर को खत्म करने से पहले मैं एक बार फिर से उन यादों को जीवंत करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि कुछ अच्छा ही होगा। मौजूदा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिताबी जीत की संभावना के बारे में शोएब मलिक ने कहा कि ये अच्छी बात है कि उनकी टीम को खिताबी दावेदार नहीं माना जा रहा था। किसी ने भी पाकिस्तान टीम को खिताबी दावेदार तक नहीं माना था। ऐसे में टीम ने आलोचकों को गलत साबित कर दिया। मलिक ने कहा कि शुरुआत में कोई भी नहीं मान रहा था कि पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप जीत सकती है, लेकिन अचानक आपने लय हासिल कर ली, इसीलिए मैंने इसे एक चुनौती के रूप में लिया था। मुझे ये बात अपनी टीम के ड्रेसिंग रूम में भी दिखाई दी। अगर कोई पाकिस्तान के बारे में चर्चा नहीं कर रहा था कि वो इस बड़े टूर्नामेंट को अपने नाम कर सकती है, तो हमने इसे चुनौती के रूप में लिया।